आप हमारा ऑडियंस को एक बार हाय कर दीजिए। हाय एवरीवन, हेलो। अच्छा ये बताइए कि काफ़ी लोगों को इंतजार है कि आपका फिल्म कितना तारीख का आएगा, ये बता दीजिए। हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। और गाइज, आज मैं आ चुका हूँ फिर से भागलपुर में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक भागलपुर का बोर्ड लगा हुआ है। मैं बता दोस्तों कि भागलपुर क्यों आया हूँ। आज मैं आप लोग को एक ऐसे हीरोइन से मिलाने वाला हूँ जिनका नाम है संचिता बासु। जी हाँ गाइज, आपने सही सुना, वो हीरोइन बन चुकी है आज के डेट में, क्योंकि उनका एक फिल्म आने वाला है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, साउथ फिल्म को हीरोइन बन चुकी है। मैं बता दूँ दोस्तों कि वो एक नॉर्मल टिकटॉकर थी आज के एक दो साल पहले। जब वो टिकटॉक बैंड हो गया तो इंस्टाग्राम पे आई और इतना ज़्यादा उनको ऑडियंस लाड प्यार दिया कि मात्र 21 साल की उम्र में वो हीरोइन बन चुकी है साउथ फिल्म का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, मैं उनके घर की ओर चलूंगा, उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। और तब तक आप क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं भागलपुर जंक्शन का व्यू, और इसी का बगल में दोस्तों एक देख सकते हैं एक सेल्फी पॉइंट है, और यहाँ से हम लोग को ऑटो पकड़ के चलना होगा तिलका मांझी। तो फाइनली दोस्तों, मैं अभी तिलका मांझी पहुंच चुका हूं। स्टेशन से मुझे 20 रुपये किराया लगा और यहां तक मैं आ चुका। आगे जाइएगा तो चरमोहान है, और यहां आने के बाद बहुत ही बड़ा ये मार्केट है दोस्तों, तो मुझे पता नहीं चल रहा है, किसी से पूछेंगे कि उनका घर कहां पे है। घर ढूंढते ढूंढते परेशान है यार, मिल नहीं रहा। देखिए यहां पे दो तीन बच्चे लोग मिले हैं, जिनसे पूछ रहे थे, बोल रहे हैं कि हम जानते हैं लेकिन उनका घर नहीं जानते हैं। सही बात है बाबू, पहचानते हैं उनको? हाँ पहचानते हैं, उनका वीडियो देखते हो? हाँ सर। उनका घर नहीं जान रहे हो ना? नहीं, घर पता नहीं है, भले जानते हैं यहीं की वो है। तो फाइनली दोस्तों, बहुत कोशिश के बाद, मतलब ढूंढते ढूंढते गली गली भटकते भटकते लगभग 10-15 गलियां भटका, तब जाकर के इनके घर के पास पहुंच पाया हूं। मतलब भागलपुर कोई छोटा मोटा जगह नहीं है यार, ये तो जिला है, तो इसमें टाइम तो लगेगा किसी का घर खोजने में। लोकेशन पता नहीं रहेगा तो टाइम एग्जैक्ट लगता ही है, लेकिन फाइनली पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं यही उनका घर है, और चलते हैं, बेल बजाते हैं। और ऊपर का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का दिखता है, लगभग 3 तल्ला है और काफी अच्छा है। दोस्तों दरवाजा खुल चुका है और अभी हम घर के अंदर आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं यही उनका घर है, और इधर एक स्कूटी लगी हुई है, और हम लोग को बैठने के लिए बोला गया है। और दोस्तों हम लोग के लिए देखिए आया है क्या, नाश्ता। तो इसे पहले फिनिश करते हैं, उसके बाद आप लोग से बातें करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम अभी संचिता बासु जी के घर पे अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे सामने हैं। और मैं बता दोस्तों कि इनके पास टाइम नहीं, इनका एक फ्लाइट है शाम में 5 बजे, तो इनके पास टाइम नहीं, लेकिन मैंने काफ़ी थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया तो ये मान गए हैं, तो थोड़ी सी इनसे बातें करेंगे। तो सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्ते, हाय। तो आप हमारा ऑडियंस को एक बार हाय कर दीजिए। हाय एवरीवन, हेलो। अच्छा ये बताइए कि काफ़ी लोगों को इंतजार है कि आपका फिल्म कितना तारीख का आएगा, ये बता दीजिए। अभी थोड़ा देर पहले रिलीज़ हुआ है, 2 सितंबर को मूवी रिलीज़ होगी। अच्छा, एक गाना भी आया है आपका? दो गाना आया है, फर्स्ट गाना है मज़ा मज़ा और दूसरा है नीनवे। चलिए ठीक है। अच्छा आप एक चीज़ और बताइए कि आपका यूट्यूब चैनल नेम क्या है? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम संचिता बसु है, संचिता बसु यूट्यूब चैनल। सिर्फ अच्छा आप, अच्छा आप टिकटॉक पे कितना दिन काम किए थे? मैंने पता चला है और काफ़ी लोग जानते भी हैं कि आप टिकटॉक से ही वायरल हुए थे और इस मुकाम तक पहुंचे हैं जी। तो आप टिकटॉक पे मतलब कितना दिन काम किए थे? 1 साल, 1 ईयर मैंने टिकटॉक, उसके बाद बैंड हो गया था टिकटॉक। हाँ, टिकटॉक बैन हो गया था। अच्छा आप जब टिकटॉक पे उस टाइम काम करते थे तो उस टाइम आप कौन सा क्लास में थे? आई वॉज लाइक टेंथ में थे। अच्छा अभी आपका पढ़ाई कहाँ तक होगा? अभी 12th में है। चलिए ठीक है, आपसे कोई सवाल नहीं क्योंकि आपको लेट हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और हमारा ऑडियंस को बता दीजिए हमारे चैनल के बारे में, एक बार की सब्सक्राइब करें, इनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। हिट द बेल आइकन। थैंक यू। फाइनली दोस्तों संचिता बासु जी से मुलाकात हो गई, और फिर से मैं आ चुका हूँ भागलपुर रेलवे स्टेशन पर। मैं बता दोस्तों कि ज़्यादा कुछ उनसे बातचीत नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि जब तक उनका फिल्म रिलीज नहीं हो जाता तब तक वो किसी भी ब्लॉग चैनल पर, न्यूज़ चैनल पर नहीं आ सकते। वो एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर चुके हैं, इसीलिए वो हमारे ब्लॉग में नहीं आना चाहते थे। लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, बताया कि आपसे मिलने के लिए मैं 2 दिन स्टेशन पर सोया हूँ, प्लीज़ हमको थोड़ा बहुत टाइम दे दीजिए, तो हमारी बातों को, भावनाओं को समझें और थोड़ा सा वीडियो में आ पाएँ। लेकिन वो बोले हैं कि नेक्स्ट टाइम आइएगा, अच्छी से बातचीत करेंगे, इंटरव्यू देंगे, तो फिर कभी आप लोग को मिलवा दूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ दोस्तों एक बात और, मैं जा रहा हूँ यहाँ से अब रांची, नाइट में मेरा ट्रेन है, और रांची जाने के बाद अच्छी अच्छी ब्लॉग लाऊंगा। तो तब तक आप क्या करना है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको ब्लॉग सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय।